हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे पिछले वाले वीडियो पे, जिसमें मैंने केदारनाथ कैसे जाए का सारा जानकारी आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कराया था। और वो वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े उसके अंदर, काफ़ी कमेंट के रिप्लाई मैंने उसमें देने की कोशिश की, बट काफ़ी ऐसे कमेंट्स भी उसके अंदर मैंने देखे जिसका मैंने सोचा कि आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के मैं आपके सामने लेके आऊँ, जिसमें उन सारे कमेंट्स के मैं उसके अंदर आपको जवाब दूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को एक न्यूज़ दे देता हूं। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा, केदारनाथ के कपाट 17 मई 2021 से सभी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। तो आप सब लोग जो भी जाना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है, इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा जो आपके मन में आ रहे हैं और आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। तो इसी के साथ हम सबसे पहला सवाल लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं हीरक भट्टाचार्य जी, ड्यूड ई पास कैसे रजिस्टर्ड करें? तो हीरक भाई, ई पास रजिस्टर्ड करने के लिए गवर्नमेंट का वेबसाइट बना हुआ है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वहां पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिस डेट को भी आप वहां पर जाना चाहते हैं। बस उसका रजिस्ट्रेशन का आपको कॉपी जो आपको मेल आईडी पे आएगा, बस उसका प्रिंट आपको साथ में रखना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए थे, आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है ई पास और रजिस्ट्रेशन को लेके। तो ये सारे सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि ई पास आप कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेते हैं अपन अगला सवाल। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं युवराज निम्बालकर भाई, हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए लास्ट बस कितने बजे की होती है, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए रात 8 से 11 बजे के बीच में टैक्सी अवेलेबल होती है क्या? तो युवराज भाई, हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग से बस मिल जाती है, लास्ट बस आई थिंक 11 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको रात को 10 बजे तक साधन मिल जाता है, वहाँ पर सुमो चलती हैं, प्राइवेट व्हीकल आप लेके नहीं जा पाएंगे। तो बस सुमो से 25 से 30 रुपये लेते हैं, मैक्स 40 रुपये लेते हैं पर पर्सन, वो आपको रात को 10 बजे तक वहाँ पर चलती है। अगला सवाल पूछ रहे हैं मयूर मधेश्वर, नेटवर्क इशू है क्या? भाई नेटवर्क इशू मुझे तो नहीं लगा, जियो का था मेरे पास, तो जियो में नेटवर्क के ऊपर तक आ रहा था, बट हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं कहीं पे नहीं आ रही थी, बाकी नेटवर्क सिग्नल आ रहे थे वहाँ पर, जियो का आएगा वहाँ पे। अगला सवाल पूछ रहे हैं विवेक भारद्वाज, गौरीकुंड में पार्किंग मिलती है या नहीं अगर खुद की कार ले जाना चाहूँ तो? विवेक भाई, गौरीकुंड के अंदर पार्किंग नहीं मिलेगी आपको, आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में ही पार्क करनी पड़ेगी, और सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड सुमो में जाना पड़ेगा। अगर सब लोग अपनी गाड़ी अगर गौरीकुंड तक ले जाने लग गए तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो आप अपनी पार्किंग वाली खुद की भी गाड़ी लेके जा रहे हो, आप सोनप्रयाग में ही उसको पार्क करो। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं सयानीधार, सोनप्रयाग पे कहाँ रखना है लगेज, प्लीज़ गिव डिटेल। आपको अपना सामान वहाँ पे क्लॉक रूम बने हुए होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर जाके आपको बहुत सारे होटल्स या धर्मशाला के अंदर भी आपको उसकी सुविधा मिल जाएगी, तो वहाँ पे अपना चार्ज पूछ के आप वहाँ पे रख सकते हैं। आई थिंक 100 रुपये समथिंग कुछ वो 24 आवर्स का लेता है, तो आप अपना लगेज वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर अपना खुद का व्हीकल लेके जा रहे हो तो अपने व्हीकल के अंदर ही रख लो और गाड़ी को पार्किंग में लगा लो, तो ये बेस्ट रहेगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं नीरज कोकर, सर आप कौन से मंथ में गए थे और आपको सेल्फ कितना पैसा लगा? भाई मैं नवंबर में गया था, नवंबर 2020 3 तारीख को मैंने दर्शन किए थे, और मैं ओनली केदारनाथ नहीं गया था, मैं केदारनाथ, तुंगनाथ महादेव, उसके बाद ऋषिकेश, तो ये सारा मुझे लगभग 8,000 के समथिंग कुछ मेरा एक्सपेंस आया था। अगला सवाल पूछ रहे हैं अमित चौधरी, ब्रो व्हाट इज एस्टिमेटेड बजट फॉर दिस ट्रिप? तो अमित भाई, अगर आप ओनली केदारनाथ जाना चाहते हो तो हरिद्वार से केदारनाथ और वापस हरिद्वार लगभग 3,000 से लेके 5,000 के बीच में आपका हो जाएगा, फिर वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं रेनू आनंद, 6 years चाइल्ड कैन गो विथ पेरेंट्स, इफ पॉसिबल प्लीज लेट मी नो अबाउट चारधाम कंप्लीट पैकेज। तो रेनू जी, 6 साल का बच्चा क्या कोई भी केदारनाथ जा सकता है? कोई उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो बात रही चारधाम के लिए, तो चारधाम के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसके थ्रू चले जाइए। मैं अभी तक चारधाम गया नहीं हूँ, तो मैं आपको उसका कंप्लीट डिटेल दे नहीं पाऊंगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं शिवा शाह भाई, केदारनाथ में कौन सा मोबाइल नेटवर्क रहता है? भाई जियो का रहता है, एयरटेल भी था मेरे पास, बट एयरटेल का नेटवर्क नहीं आया था, जियो का नेटवर्क था ऊपर तक, इवन इंटरनेट भी मिल रहा था। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं कृष्ण कुमार बिट्टू, September 1st week में क्राउड कितना होगा? भाई वो केदारनाथ मंदिर है तो क्राउड तो होगा ही,
बट हाँ अकॉर्डिंग टू मई और जून, सेप्टेम्बर में क्राउड कम रहेगा, तो बेस्ट टाइम में आप जा सकते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं अरिजीत काओ, भैया केदारनाथ यात्रा किस तारीख से शुरू होती है? भाई केदारनाथ यात्रा 2021 की जो है वो 17 मई 2021 से शुरू हो रही है। सुबह 5 बजे के बाद में भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे, तब उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं अभय मॉल, आपका कितना बजट बना था केदारनाथ यात्रा का? भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा 8,000 का बजट बना था, जिसमें मेरा केदारनाथ, तुंगनाथ और उसके बाद में मैं ऋषिकेश भी रुका था। ओनली केदारनाथ का बजट 3,000 से 5,000 के बीच में आपका हो जाएगा। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं राहु भगत, मेरे को बीपी है तो मैं केदारनाथ जा सकता हूँ क्या? भाई केदारनाथ तो कोई भी जा सकते हैं, तो अगर बीपी है तो भाई जितना हो सके आप पैदल अवॉइड करना, घोड़े पे जा सकते हो आप, बट आप जितना चल सकते हो उतना चल लो, जहाँ पर आपको लगे कि आप नहीं चल सकते तो आप घोड़ा हायर कर लो वहाँ पे। मेरा सजेशन यही है कि आप पैदल अवॉइड करना, आप घोड़े से ही जाओ या हेलीकॉप्टर से चले जाओ, पर जा सकते हो, जाने में कोई मना ही नहीं है। अगला सवाल पूछ रहे हैं मेरी सी रायचूरा, भाई श्री केदारनाथ मंदिर से श्री तुंगनाथ मंदिर जाना हो तो कैसे जा सकते हैं, जवाब देना। तो भाई केदारनाथ से आपको तुंगनाथ जाना है तो तुंगनाथ मंदिर जाने से पहले आपको चौपटा स्टे करना पड़ेगा। तो जैसे आप केदारनाथ से नीचे सोनप्रयाग आएंगे तो वहाँ से आप बस से जा सकते हो, आई थिंक बस की कनेक्टिविटी कम है, ज़्यादा नहीं है, तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर वहाँ से चौपटा रहेगा। तो हो सकता है आपको प्राइवेट व्हीकल या फिर वहाँ पर आपको व्हीकल हायर करके जाना पड़े, तो बस की सर्विसेज कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो, जाना आपको चौपटा पड़ेगा, वहीं स्टे करना पड़ेगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं राहुल जगटाप, मोबाइल का रेंज रहती है या नहीं? भाई मोबाइल की रेंज रहती है, जियो का सिम साथ रखना रहेगा आपका। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं रजत टांक, केदारनाथ में स्नोफॉल देखना है दर्शन के साथ तो कौन से मंथ में बेस्ट होगा जाना? तो भाई आप नवंबर स्टार्टिंग में जाओ अगर आपको स्नोफॉल देखनी है, वैसे अक्टूबर एंड में भी हो जाती है, बट समटाइम अगर डिले हो गए तो नहीं मिलेगा, तो आप नवंबर फर्स्ट वीक में जाओ, वहाँ पर आपको 100% स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं सुजीत कुमार, सर जी क्या हम लोग अप्रैल में जा सकते हैं? भाई मंदिर ही 17 मई से ओपन होगा तो आप अप्रैल में नहीं जा पाओगे, तो आप 17 मई का वेट करो, उसके बाद ही आप प्लान करो। अगला सवाल पूछ रहे हैं दीपक कुमार केसरी, भैया केदारनाथ में नाइट स्टे के लिए रूम बुकिंग के लिए कुछ आइडिया शेयर कीजिए। दीपक भाई सबसे बेस्ट है आप GMVN की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से आप अपना रूम बुक कर सकते हो, नीचे सोनप्रयाग के लिए भी और ऊपर केदारनाथ के लिए भी, वो सबसे बेस्ट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपना बुकिंग कर सकते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं मयंक प्रताप सिंह, मई स्टार्टिंग में स्नो इन्जॉय कर सकते हैं क्या? मयंक भाई मई में आपको स्नो नहीं मिलेगा, हाँ रास्ते में पड़ी स्नो मिल जाएगी, स्नोफॉल नहीं मिलेगा, स्नोफॉल तो आपको नवंबर में ही मिलेगा, अक्टूबर एंड या नवंबर। हाँ अभी जो स्नो काट के रास्ते बनाए हैं तो पहाड़ों पे स्नो आपको मिल जाएगी पड़ी हुई। अगला सवाल पूछ रहे हैं पटेल हसमुख भाई, मंदिर किस मंथ में खुलता है और बंद होता है वो बताना। पटेल भाई मंदिर 17 मई 2021 को खुलेगा और बंद होता है दिवाली के नेक्स्ट डे, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान करना। अगला सवाल पूछ रहे हैं मानस सिंधे, सिंगल पर्सन को कितना कॉस्ट आएगा केदारनाथ में? भाई पहले भी बताया मैंने, लगभग 3,000 से 4,000 या 5,000 समथिंग आपका मिनिमम बजट आ जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं अशोक भवनिक, वेरी वेल एक्सप्लेन, गॉडफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अशोक भाई। हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड फॉर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ दर्शन फ्रॉम हरिद्वार? तो हरिद्वार से अगर आप जाएंगे तो हरिद्वार, केदारनाथ और बद्रीनाथ तीनों का लगभग 5 से 6 दिन आप मान के चलो, इतना आपको लग जाएगा आराम से। अगला सवाल पूछ रहे हैं विपिन विश्वकर्मा, मेरे को भी केदारनाथ जाना है, किस टाइम जाना अच्छा रहेगा? बिल्कुल जाइए विपिन भाई, मई से लेके दिवाली के नेक्स्ट डे तक मंदिर खुला है, उसके अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले, जो आपको सूटेबल लगे, आप उस टाइम पे जा सकते हो। बेस्ट टाइम रहेगा अगर आप मई और जून में जा सकते हैं, बट क्राउडेड रहेगा, आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप जाइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं आशित गुप्ता, कितना टाइम लगता है चढ़ाई में फॉर 21 एज पीपल? भाई मुझे लगा था लगभग 7.5 से 8 घंटे, तो आप इतना मान के चलो 6 से 8 घंटे आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जल्दी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उनको ये शेयर ज़रूर कीजिए। और आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 17 मई से गेट ओपन हो रहे हैं केदारनाथ मंदिर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।